करो। पापा 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 हेलो बोलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये मेरे ब्लॉग का थर्ड एंड लास्ट पार्ट है। यहाँ पे हम लोग अपने होटल में चेक इन कर लिए हैं और ये रात का व्यू है नैनीताल का, जो कि बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है। आप सोचो कि आप नीचे खड़े होके पूरे पहाड़ तक देख रहे हो, ऊपर तक जहाँ सब लोगों ने अपना घर बनाया हुआ है, होटल है, सब कुछ है वहाँ पे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वर्थ था यहाँ पे जाना। आप लोग भी जरूर विजिट करो। देन इसके बाद हम जाके सो जाते हैं आराम करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। फिर हम लोग को नेक्स्ट मॉर्निंग नीम करौली बाबा के लिए निकलना था। सो यहाँ पे हम लोग नैना देवी जा रहे हैं सुबह में दर्शन करने के लिए 5:30 बजे। अभी सनराइज नहीं हुआ है, सिर्फ मैं और यही जा रहे थे। बाबू और निशी होटल में सो रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी थी। बाबू को लेके जाना बिल्कुल भी सही नहीं था ठंडी में। तो अब यहाँ का व्यू देखो, मॉर्निंग का व्यू। नैना देवी का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। फिर हम लोगों ने दर्शन करके जल्दी जल्दी जाके होटल पर अपना नाश्ता किया। नाश्ता करके हम लोग को निकलना था नीम करौली बाबा के लिए। फिर वहाँ से हम लोग की वापसी थी। और यहाँ का व्यू देखो, अभी सनराइज होने ही वाला था, पहाड़ पे आ रही थी सनराइज की रोशनी वगैरह सब कुछ। देन हम लोगों ने यहाँ से जल्दी जल्दी निकल के होटल में जाके ब्रेकफास्ट करा। ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए नीम करौली बाबा के लिए। और यहाँ पे है नीम करौली बाबा, यहाँ का व्यू यहाँ पे बहुत अच्छा था। ये आपको नैनीताल से 30 किलोमीटर पहले है या बाद में, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट हाँ यहाँ भी जाना वर्थ इट है। आप जरूर जाना यहाँ पे एक बारी। आई होप आप लोग को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी मैं फोटोज वगैरह सब कुछ इंक्लूड कर दूंगी, आप लोग वो सब देख लेना। और नीम करौली बाबा में फोटो वीडियो अलाउड नहीं था, तो मैंने बाहर से बनाया। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।